What's up governors, Rise of Kingdoms के एक और exciting वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे The Lost Kingdom के Season 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी दीजिए, क्योंकि मैं Rise of Kingdoms के वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए बात करते हैं हमारे द लॉस्ट किंगडम के सीजन 2 के बारे में। तो इसके लिए दो मेल आया है, दोनों मेल पे अलग अलग डिटेल्स दिया गया है। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छे चेंजेस है आपके। इसके वजह से बहुत सारे किंगडम पिछले सीजन में क्या हुआ था, बहुत सारे किंगडम ने पहले ही हार मान लिया थे या फिर बहुत सारे अचीवमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत प्लेयर्स को बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत किंगडम्स को भी नुकसान हुआ। लेकिन इस सीजन 2 में जो भी होगा बहुत ही फेयर प्ले हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत फेयर प्ले होगा। तो बहुत सारे किंगडम्स पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और बहुत अचीवमेंट भी कर पाएंगे और रिवॉर्ड्स भी ले पाएंगे। तो बात करते हैं हमारे जो पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। पहले क्या हुआ था, आपका जो पहले इवेंट सीजन पे आप अपने आसपास के जो भी जितने भी किंगडम्स है उसके साथ बैटल हुआ था, उसके साथ आपका कंपटीशन हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो किंगडम है किंगडम ऑफ अलाता, यहाँ के आसपास जो 8 किंगडम देख रहे थे इसके बीच फाइट हुआ था। लेकिन अभी नेक्स्ट किंगडम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट द लॉस्ट किंगडम पे ऐसा होगा कि ये हमारे आसपास के 8 किंगडम के ऊपर डिपेंड करके फाइट नहीं होगा, मैच मेकिंग नहीं होगा। मैच मेकिंग किसके ऊपर होगा, हमारे पावर के ऊपर डिपेंड करके, हमारे किंगडम का पावर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा जो है मैच मेकिंग होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा बाकी 7 किंगडम्स उसके ऊपर डिपेंड करके ही आएगा। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, पहले सीजन में ऐसा हुआ था कि किसी किसी कॉन्टिनेंट पे कोई किंगडम बहुत पावरफुल रहता था और कोई किंगडम बहुत ही वीक था। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे किंगडम जो पावरफुल थे वो तो सब पूरी कॉन्टिनेंट को एक मतलब पूरे लॉस्ट किंगडम को कब्जा कर लिया था, लेकिन जो वीक थे वो इतने मतलब इतना वो इतना पावर डिफरेंस था कि उन लोगों ने आधे में ही लॉस्ट किंगडम के सीजन के आधे में ही लॉस्ट किंगडम छोड़ के अपने रियल किंगडम पे ओरिजिनल किंगडम पे वापस आ गए थे। इसके वजह से लॉस्ट किंगडम जो सीजन 1 है, मैं तो कहूँगा वो बहुत ही बुरा फेलियर हुआ था। लेकिन ये जो नया रूल आ रहा है जो पावर के ऊपर डिपेंड करके होगा, तो ये मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इवेंट ड्यूरेशन, पहले था 58 डेज। तो पहला सीजन था वो 58 डेज था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट सीजन आएगा ये कम बहुत ही कम घटाया गया है, 9 दिन घटाया गया है, 9 दिन घटा के 49 डेज का होगा। ओके, और जो सीजन 2 में होगा और खुशीदार अचीवमेंट्स जो है इसके चैप्टर्स में आपको जो कंप्लीट होना पड़ेगा ना, ये आपके ऑनर आपके इंडिविजुअल ऑनर पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके ही आपका ये कंप्लीट होगा। ये आपके किंगडम के ऊपर डिपेंड करके नहीं होगा, आपके अलायंस के ऊपर डिपेंड करके नहीं होगा, ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल ऑनर पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके होगा। आपका इंडिविजुअल ऑनर पॉइंट जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा आपके क्रुसेडर अचीवमेंट का चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इवेंट रिवॉर्ड्स हैव बीन एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद इवेंट लेंथ चेंजेस। तो इवेंट के यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे, तो इवेंट के ड्यूरेशन के ऊपर चेंज करके आपका रिवॉर्ड्स भी अलग अलग होगा। तो इसके बारे में जो है वो सीजन स्टार्ट होने पे ही मालूम पड़ेगा करके बताया गया है। और लास्ट इस मेल के लास्ट में जो है, जो कि एक्चुअली लास्ट नहीं है और एक मेल है, तो इसमें लास्ट में दिया गया है इवेंट डिस्क्रिप्शन जो देगा, इवेंट डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से क्लियर करके दिया जाएगा इस बार। ऐसा नहीं होगा कि कुछ हिडन रहेगा, कुछ सीक्रेट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, और लास्ट में इस मेल के लास्ट में बताया गया है प्लीज़ क्लिक हेयर टू सेंड आस एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स यू हैव रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप लिलिथ को बता सकते हैं कि आपका मतलब आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर आपका कुछ भी कमेंट इसके ऊपर कुछ कमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। लेकिन आप अपने दोस्त यानी कि मुझे मेरे वीडियो में नीचे कमेंट करके भी ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं कि आपको ये एडजस्टमेंट्स कैसे लगा। ओके, तो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट ईमेल है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ईमेल में बताया गया है कि जो यहाँ पे इवेंट्स थे ना, ईव ऑफ द क्रुसेड, फिर पास्ट ग्लोरी और इन सब के ऊपर, और जो आपका
होली साइट्स ये सब थे, इन सब के ऊपर जो एडजस्टमेंट किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ईव ऑफ द क्रूसेड के बारे में बात करते हैं। ईव ऑफ द क्रूसेड के स्टेज वन पे जो है वो पॉइंट्स जो अवॉर्ड करते थे आपका पर्सिमन स्क्रैप्स को, 7 अलग अलग पर्सिमन स्क्रैप्स को मिलाने से आपको 5000 पॉइंट्स मिलता था पहले सीजन में। तो इस सीजन में 5000 के जगह 7000 पॉइंट्स मिलेंगे, ओके, जो स्टेज वन पे है उसमें। लेकिन जो स्टेज टू में है, जो कि ट्रेनिंग करना था, ट्रेनिंग इवेंट में आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये जैसा पहले सीजन पे था सेकंड सीजन में भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जो थर्ड में है, थर्ड में आपका मरुदर एनकैंपमेंट को डिस्ट्रॉय करने से जो पॉइंट्स मिलता था वो 1500 से इंक्रीज करके 45000 बनाया गया है। तो ये इंक्रीज बहुत ही हाई इंक्रीज है। इसको करने का वजह इसलिए था क्योंकि आपका अगर पहले सीजन में देखते तो आपका स्टेज वन पे आप जितने एपी खर्च करके जितना पॉइंट्स मिलता था, स्टेज थ्री में वो एकदम वेस्ट जैसा लगता था, आपका रिवॉर्ड्स भी एकदम वेस्ट करने जैसा लगता था। तो उसके वजह से स्टेज वन पे ही आप फोकस करते और अपना जितने एपी बोतल था फिनिश करते तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलता। लेकिन इसके वजह से ही आप सीजन टू में उन लोगों ने इसको चेंजेस किया, चेंजेस करके पॉइंट्स 1500 से बढ़ा के 45000 किया गया है। इसीलिए अभी लोग जो है इस थर्ड स्टेज में भी बहुत फोकस करेंगे। तो आप स्टेज वन और स्टेज टू का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उन सबको देख सकते हैं। लेकिन स्टेज थ्री का जो बनाया था उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं की क्योंकि वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ जो ट्रेनिंग देखा था, स्टेज टू के ट्रेनिंग देखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेनिंग, ट्रूप ट्रेनिंग के लिए भी और इस स्टेज के लिए भी। तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, तो आप उसको क्लिक करके देखिए और उस वीडियो में आपको स्टेज वन का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है नंबर टू में पास्ट ग्लोरी के बारे में बात किया है। पास्ट ग्लोरी में आपको पहले सीजन में चाहिए था 2 मिलियन डोनेशन करना पड़ता था, जो RSS डोनेशन करना पड़ता था स्टेज वन पे वो 2 मिलियन था। लेकिन इस बार नेक्स्ट सीजन पे उसको डिक्रीज करके सिर्फ 1 मिलियन कर दिया गया है। RSS तो एक्चुअली नहीं, उसमें RSS डोनेट करने पे आपको पॉइंट मिलता था, तो उस पॉइंट को आप 2 मिलियन करना पड़ता था पहले सीजन पे। लेकिन इस सीज़न पे 2 मिलियन से घटा करके 1 मिलियन कर दिया गया है, क्योंकि 2 मिलियन आप अगर RSS डोनेशन करता था वो तो एक ही प्लेयर कर लेता था। लेकिन एक्चुअली ये RSS डोनेशन नहीं था, RSS डोनेशन के बदले में आपको पॉइंट मिलता था, वो पॉइंट 2 मिलियन से घटा करके 1 मिलियन कर दिया गया, ताकि बहुत सारे किंगडम जो पहले सीजन में कर नहीं पाए थे इस सीज़न पर कर पाए। और स्टेज टू में जो है पॉइंट्स अर्न फ्रॉम डिफीटिंग बारबेरियंस और डिस्ट्रॉइंग बारबेरियन फोर्ट्रेस रिक्वायर्ड टू रीच द नेक्स्ट स्टेज विल बी डिक्रीज फ्रॉम 2 मिलियन टू 800,000। तो यहाँ पे आपका डिफीटिंग बारबेरियन करके और जो फोर्ट्स डिफीट करके आपको पॉइंट चाहिए था नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वो पहले सीजन में 2 मिलियन था, लेकिन अभी घटा करके 800,000 कर दिया जाएगा। और स्टेज थ्री में जो थे वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। स्टेज थ्री जो है वो आपका स्कल्पचर जो है, आपका जो अनयूज्ड स्कल्पचर है उनको आप एक्सचेंज कर पाते थे, तो उसको ही यहाँ पे दिया गया है, उसको ही आप यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो उसको उसमें उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है, ओके। तो नंबर थ्री में दिया गया है एंशिएंट रुइंस या फिर ऑल्टर ऑफ डार्कनेस के बारे में। यहाँ पे पहले सीजन पे क्या होता था, आप ऑल्टर ऑफ डार्कनेस या फिर एंशिएंट रुइंस पे अगर आप 5 ट्रूप लेके जाते थे तो 5 ट्रूप को पॉइंट्स मिलता था। लेकिन इस सीज़न पे ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही ट्रूप का पॉइंट मिलेगा। 5 ट्रूप ले जाइए, 4 ट्रूप ले जाइए या फिर एक ही ट्रूप ले जाइए, आपको सेम पॉइंट मिलेगा। तो आपको एक ट्रूप में पॉइंट मिलेगा, लेकिन पहले सीजन में ऐसा था कि आपको 5 ट्रूप को एक एक पॉइंट करके अलायंस पॉइंट को मान लीजिए, अलायंस पॉइंट अपने आपको एक एक पॉइंट करके 5 ट्रूप को 5 अलायंस पॉइंट मिलता था, लेकिन 5 ऑनर पॉइंट मिलता था। लेकिन इस सीजन पे एक ही ट्रूप को 5 अलायंस ऑनर पॉइंट मिल जाएगा। तो सेम है पिछले सीजन की तरह, सिर्फ ट्रूप 5 लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रूप एक ही लेना है, एक ही लेने से आपको सेम पॉइंट्स मिल जाएगा। तो और आपका जो ऑल्टर ऑफ डार्कनेस था वो पहले सीजन पे आपका पहले मतलब इस सीजन पे ही बात करते हैं। ऑल्टर ऑफ डार्कनेस पे आपको इंडिविजुअल पॉइंट मिलेगा 50 पर मिनट और अलायंस ऑनर पॉइंट 15 पर मिनट, ओके। और ये जो
5 ट्रूप से 1 में घटाया है, इसमें क्या होगा? देखिए बहुत, अगर 5 ट्रूप अगर आप लेते हैं तो 10 लोग अगर 5 ट्रूप करके लेते तो 50 आर्मी पहुंच जाता, तो 50 आर्मी में लैग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपका जो ग्राफिक्स है उसमें भी प्रॉब्लम देता है। इसीलिए आपको गेम ने लिलिथ ने ये डिक्रीज करके 1 ट्रूप करके लिया है, तो इससे लैग कम होगा। और आपको 5 ट्रूप लेने से आपको पूरा काम रुक जाता था, कुछ भी आप फाइट नहीं कर सकते थे दूसरे जगह पे, या फिर आप कुछ कलेक्ट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, आपको एंशियंट रूइंस पे तो लेके जाएंगे 1 ट्रूप और बाकी 4 ट्रूप से आप दूसरे काम भी कर पाएंगे, या फिर जितने भी आपका ट्रूप बाकी है उनसे दूसरे काम भी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 पे होली साइट प्रोटेक्शन टाइम। तो प्रोटेक्शन टाइम्स को भी डिक्रीज कर दिया गया है सब में। जो क्रूसेडर कम में प्रोटेक्शन टाइम 12 आवर्स से मतलब अभी 12 आवर्स कर दिया जाएगा, और आपका जो कॉन्टेशन टाइम क्या है वो है आपको वो कब्जा करने के लिए, मतलब वो नेक्स्ट प्रोटेक्शन टाइम आने के लिए जो है जो ओपन रहेगा ना, तो उस टाइम को 4 आवर्स कर दिया गया है। तो 4 मतलब 12 आवर्स के बाद अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद 4 आवर्स तक ओपन रहेगा और उसके बाद फिर से लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो क्रूसेडर कैंप्स में 12 आवर्स एंड 4 आवर्स, और क्रूसेडर फोर्ट्रेस पे 2 डेज और 6 आवर्स, और आपका प्रोटेक्शन टाइम सर्कल का 2 डेज और कॉन्टेशन टाइम 4 आवर्स ऐसा कर दिया गया है। इससे आपका बहुत किंगडम्स में आपका जो हिस्ट्री चैप्टर्स है ये कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और नंबर 5 में है जो एलाइड ट्रूप का कलर है। तो आपके अपने अलायंस का ट्रूप जितने हैं उनका तो कलर आपको ब्लू में दिखाया जाएगा, लेकिन आपका जो सेम किंगडम का दूसरे जो ट्रूप्स होंगे ना उसका कलर येलो कलर में दिखाया जाएगा। यहाँ पे पिछले सीजन में पहले तो रेड में ही आपका ऑरेंज कलर में दिखाया गया था, लेकिन इस सीजन में आपको येलो कलर में दिखाया जाएगा। ओके, तो ओके यहाँ पे इतना ही डिटेल्स दिया गया है। तो मुझे तो ये सब डिटेल्स जो दिया गया है, जो चेंजेस किए गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम्स का वीडियोस बनाते रहता हूँ। और आपको अगर कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। ओके, तो ओके इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।